नमस्ते व्यूअर्स, मैं वैशाली सिंघल आपका स्वागत करती हूँ हैप्पी हैप्पी घर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाल्गुन शुक्ला आमल की एकादशी की व्रत कथा। आइए सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। कृष्ण जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला तथा हजार गोदान के फल देने वाला है। हिंसा करने वाला व्याध की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। हे नृप, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ का चैत्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसने राज्य में निर्धन और लोभी नहीं दिखाई देता था। दोनों पक्ष एकादशी के दिन मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुख पूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे क्षत्रिय, उपान, पंचरतन और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया और बोले, सब पापों को नाश करने वाली आमल की तुमको नमस्कार है, मेरे अर्घ को ग्रहण करो। उसी समय वहाँ पर एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुम्ब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहाँ बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहाँ आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। शुद्धित होने पर भी एकादशी का महत्व सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याघ्र की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगिनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निस्संदेह विष्णु लोक को जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। आप यदि एकादशी माता की आरती सुनना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा या आपकी स्क्रीन पर भी वो लिंक आ रहा होगा। और यदि आप एकादशी की व्रत कथा की पुस्तक खरीदना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी अमेज़न लिंक मिल जाएगा। नमस्ते।